देखो साइफर केस में बड़ा रश करके जज साहब चला रहे हैं और जिस तरीके से चलाना चाहिए बिल्कुल आईने और कानूनी तरीके कार से हटकर चला रहे हैं। कल भी जज साहब ने अपने तरफ से क्वेश्चंस किए और कोई भी जो राइट आपका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, 12 विटनेसेस को जिस तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया इसकी कभी आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये जिस तरीके से लेके जा रहे हैं आप खुद अंदाजा कर सकते हैं किस सरकमस्टांसेस में हम इनसे क्या तवक्को रखें और क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या आईन और कानून के मुताबिक होगा। अगर आप किसी एक्यूज्ड को आप अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिफ्यूज कर दे तो डिसीजन क्या आना है ये सब दुनिया जानती है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर कन्विक्शन भी करते हैं कन्विक्शन क्वाश होगी, लेकिन आप लोग तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, मुश्तैल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस रखो करो इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। ये प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा है कि इन्हें सजाए मौत होगी, जिन दफात के तहत ये मुकदमा है उसमें सजाए मौत हो सकती है? देखिए जो भी है ये सजाए मौत भी देना चाहे सजाए मौत देते हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला इनके पास किसी कोई कानून के मुताबिक जिस अदालत में जाएंगे वो फ्री एंड फेयर होगा इंशाल्लाह ताला 100% सेटिस्फाइड। सर एक तरफ आप कह रहे हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, कल बिल्कुल आवाम के साथ कह रहा हूं, एक आपकी वकील जो है मिशाल यूसुफ़ज़ई उन्होंने कहा जी आवाम बाहर निकले। नहीं नहीं देखो मैं उनको सबको ये कह रहा हूँ सारे, एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी आवाम से अपील है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर से अपील है, सारे पाकिस्तान के विल विशर से अपील है, आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, ये आपको इश्तेआल दिलाएंगे, इश्तेआल में ना आना, आप कानून को अपने हाथ में न लेना, हम इसको कंडम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह अदालतें हमें रिलीफ देंगी, आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, आप इस्तिकामत रखें, इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका एहतिसाब हो जाएगा। आखिर में सिर्फ खान साहब के हवाले से बता दीजिए कि कल जो कार्रवाई हुई बातें बाहर आ रही है कि खान साहब फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्से में? नहीं नहीं खान साहब न गुस्से में आते न फ्रस्ट्रेटेड होते, उनको पता है कि ये फिक्स मैच है, लेकिन ही वो हमेशा से है इया कर आबद वैया कर। उन्होंने साहब ने कल कहा कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ और मुझे इजाजत चाहिए सलमान सफदर साहब से, तो वो किस हवाले से? देखो साइफर केस में बड़ा रश करके जज साहब चला रहे हैं और जिस तरीके से चलाना चाहिए बिल्कुल आईने और कानूनी तरीके कार से हटकर चला रहे हैं। कल भी जज साहब ने अपने तरफ से क्वेश्चंस किए और कोई भी जो राइट आपका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, 12 विटनेसेस को जिस तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया इसकी कभी आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये जिस तरीके से लेके जा रहे हैं आप खुद अंदाजा कर सकते हैं किस सरकमस्टांसेस में हम इनसे क्या तवक्को रखें और क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या आईन और कानून के मुताबिक होगा। अगर आप किसी एक्यूज्ड को आप अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिफ्यूज कर दे तो डिसीजन क्या आना है ये सब दुनिया जानती है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर कन्विक्शन भी करते हैं कन्विक्शन क्वाश होगी, लेकिन आप लोग तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, मुश्तैल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस रखो करो इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। ये प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा है कि इन्हें सजाए मौत होगी, जिन दफात के तहत ये मुकदमा है उसमें सजाए मौत हो सकती है? देखिए जो भी है ये सजाए मौत भी देना चाहे सजाए मौत देते हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला इनके पास किसी कोई कानून के मुताबिक जिस अदालत में जाएंगे वो फ्री एंड फेयर होगा इंशाल्लाह ताला 100% सेटिस्फाइड। सर एक तरफ आप कह रहे हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, कल बिल्कुल आवाम के साथ कह रहा हूं, एक आपकी वकील जो है मिशाल यूसुफ़ज़ई उन्होंने कहा जी आवाम बाहर निकले। नहीं नहीं देखो मैं उनको सबको ये कह रहा हूँ सारे, एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी आवाम से अपील है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर से अपील है, सारे पाकिस्तान के विल विशर से अपील है, आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, ये आपको इश्तेआल दिलाएंगे, इश्तेआल में ना आना, आप
कानून को अपने हाथ में न लेना, हम इसको कंडम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह अदालतें हमें रिलीफ देंगी। आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, आप इस्तिकामत रखें, इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका एहतिसाब हो जाएगा। आखिर में सिर्फ खान साहब के हवाले से बता दीजिए कि कल जो कार्रवाई हुई बातें बाहर आ रही है कि खान साहब नहीं 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 खान साहब ने गुस्से में आते हैं न फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको पता है कि ये फिक्स मैच है, लेकिन ही वो हमेशा से है आपने कल कहा कि मैं थोड़ा सा परेशान हूं और मुझे इजाजत चाहिए सलमान सफदर साहब से, तो वो किस हवाले से? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने परेशानी का नहीं कहा, कोई जिक्र नहीं किया कि हमें कोई टाइम चाहिए। अलबत्त खान साहब इधर थे, मैंने उनको कहा था मैंने परसों जाना है, तो खान साहब ने कहा एक दो दिन मेरे साथ रुक जाओ। बहुत शुक्रिया।